इन आंसुओं को देख रहे हैं, ये कोई लाइट कैमरा एक्शन बोलते ही नहीं निकले, और ना ही इन आंसुओं के पीछे कोई बॉलीवुड का कोई प्यार है, और ना ही इन आंसुओं के लिए इन्हें कोई पैसा मिला है। इन रोते बिलखते दर्शकों को बस वो दिन याद आ गया जब इन्हें कश्मीर से खदेड़ दिया गया था। इनमें से किसी की मां का कत्ल कर दिया गया, किसी की बहन के साथ बलात्कार हुआ, और किसी के भाई को जिंदा जला दिया गया, किसी की बीवी को गोलियों से भून दिया गया, और किसी के पति को भी चौराहे पर लटका दिया गया। सोचिए, 32 सालों तक इन कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड कोई ऐसी फिल्म नहीं बना सका जिसमें इनकी सच्ची कहानियों को बताया जाए। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जब इन लोगों ने देखा तब ये लोग खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रो दिए। आज के दौर में भला सिनेमा हॉल में आपने फिल्म के बाद किसी को इस तरह से रोते देखा है? ये सच्चाई का दर्द है। ये वह लोग हैं जिन्होंने 32 साल पहले इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स पर मीडिया खामोश है। उन्हें लगता है कि ये सच लोगों को दिखाया जाएगा तो कश्मीर का असली सच लोगों को पता चल जाएगा। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इस फिल्म का प्रमोशन करने से मीडिया अपने हाथ पीछे खींच रहा है। जहां बॉलीवुड एक्टर्स एक दूसरे की फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, वो भी इस फिल्म पर चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने वाली है। इसे देखने आप जरूर जाएं और अपनों को भी साथ लेकर जाएं, जिससे आपको भी कश्मीर की सच्चाई पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और भी ज्यादा ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।